आज वाराणसी गस्त करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधासख नजर पकेबा से दृश्य उपरे। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं के पुष्प जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश है जो उम्मीदों को बोझ नहीं मानता बल्कि उसे सफलता का आधार मानता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है और उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए अवसर और संसाधन मुहैया कराता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो नित नवीन कीर्तिमानों को रचने की सामर्थ्य रखता है। नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला और महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेशवासियों की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया।
अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशीवासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज वो काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कर कमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है। अपनी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपना समय अपने संसदीय क्षेत्र के लिए निकाला और समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जब काशी आते हैं तो हम सब आह्लादित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। हम उन्हें माननीय प्रधानमंत्री के रूप में या माननीय सांसद के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि हम उन्हें अपने अभिभावक और संरक्षक के रूप में भी देखते हैं और इसीलिए वो हमेशा बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। आज भी लगभग 1500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार लेकर वो आए हैं, जिसमें से 205 परियोजनाएं जिनका वो शिलान्यास करेंगे और 78 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण करेंगे। ये सारी परियोजनाएं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, यातायात, परिवहन, आवास से जुड़ी हैं, जिससे काशी की तस्वीर भी बदलेगी और काशी निवासियों की तकदीर भी बदलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन समस्त परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार आज माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण, लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकार्पण भी। हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष जाएंगे
और वहां विधिवत उसका शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इन समस्त योजनाओं से काशी की तस्वीर और तकदीर तो बदलेगी ही, साथ ही पूर्वांचल क्षेत्र भी विकास से परिपूरित होगा, समृद्ध होगा। इन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हम सब ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, आइए देखते हैं।